गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दीपिका माई फ्रेंड्स में, और मैं दीपिका सरस्वत आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। नमस्कार। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ लौकी का जूस कैसे बनाते हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी, और बनाते कैसे पहले मैं वो शेयर करती हूँ कि इसको बनाएंगे कैसे, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। और ये मैंने लिया हुआ है पुदीना, ये मैं पीस के पुदीना घर पर रखती हूँ, तो ये मेरे पास रहता ही है पुदीना लौकी का जूस बनाने के लिए। और ये मैंने लिया है सेंधा नमक, और ये है आधा लेमन। आपको इन्हीं चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, और आप चाहो तो काली मिर्च पाउडर भी आपको डाल सकते हो इसमें। तो लौकी, सेंधा नमक, आपका पिसा हुआ पुदीना और आधा लेमन। अब इसको बनाते कैसे हैं चलो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। लौकी पहले आप धो लीजिएगा अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद उसको छील लीजिएगा। इस तरीके से लौकी छिल जाएगी। फिर उसके बाद ये घिया कस से इसको घिस लेंगे। इस तरीके से ये घिसने के बाद ये इस तरीके से घिस जाएगी। इसको घिसने के बाद अच्छा सा गिलास में निचोड़ लेंगे। ये इस तरीके से निकल आया है। और ये जो लौकी है इसको आप फेंकिएगा मत, इसको आप हींग जीरे से अच्छा सा छौंक के खाओगे तब भी सूखी सूखी लौकी बहुत फायदेमंद होती है, और आप इसकी सब्जी बना सकते हो। आप चाहो तो इसका रायता भी बना सकते हो। और ये जो मेरा जूस निकला है इसमें अब लौकी का जो मैंने जूस निकाला है उसमें मैंने नींबू डाल दूंगी, आधा नींबू करीब डाल दीजिए। पुदीना है पिसा हुआ, आधा चम्मच वो डालेंगे पुदीना, और सेंधा नमक आपको जितना भी टेस्ट लेना हो टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। और मैंने थोड़ा सा डाला है काली मिर्च पाउडर, इतना सा करीब मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है। अब ये इस तरीके से बन गया है। ये अगर आप इस तरीके से बनाकर पीते हो, जैसे ये लौकी का ही जूस है, और दिन में 3 बार पीना है, सुबह मॉर्निंग में पीना है, दोपहर में लंच से पहले पीना है, और रात में आपको डिनर से पहले पीना है। और आपने हर समय ताज़ा बनाना है, ये नहीं कि बना के आप रख लो फ्रिज में, इस तरीके से नहीं बनाना है। और जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसे ही बनाया ना। अगर आप जूसर से बनाना चाहते हो तो जूसर में भी बना सकते हो इसको, और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये आपको आपके पेट को गर्मियों में ठंडा रखता है, और आपका वेट तो बहुत ही जल्दी लूज़ करता है, क्योंकि इसमें जो लौकी होती है इसमें लो कैलोरी होती, कोई इसमें कैलोरी नहीं होती है, तो इसलिए ये आपके बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट देता है। अभी मैं आपको लौकी के जूस के बहुत सारे फायदे बता रही थी। लौकी का जूस को अगर आप 15 दिन तक सेवन करते हो तो आपकी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती है, और आपको जो एक्ने, पिंपल्स और स्किन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व होती है, क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल होता है लौकी में, जो बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को फ़ायदा करता है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाता है, और वेट लॉस करने में तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको लौकी का जूस जरूर पीना चाहिए। सुबह आपको लौकी का जूस 3 टाइम पीना चाहिए, और 15 दिन तक आप करके देखिए तो आपको उसका बेनिफिट जरूर मिले। और जिनका जिस किसी का भी फैटी लीवर है, फैटी लीवर में भी लौकी का जूस बहुत ज़्यादा फायदा करता है। मेरे पास जूसर नहीं था इसलिए मैं लौकी का जूस आपको घिस के दिखा रही थी कैसे बनता है। अगर आप जूसर में बनाते हो तो लौकी का जूस, जब आप आधा किलो लौकी का जूस बनाते हो तो कम से कम 1 गिलास आपका पूरा भर जाता है, तो वो आप जब पीते हो तो आपका आपको भूख भी नहीं लगती है उससे, और आपको उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलता है। आपको आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, बीपी की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को तो करता ही है, कैंसर को भी करता ही है। मैंने आपको लौकी के इतने सारे बेनिफिट्स बताए, और आप जिस किसी को भी वेट लॉस करना हो तो वो लौकी का जूस बना कर पिए। आज मैंने लिपस्टिक वगैरह नहीं लगा रखी क्योंकि मैं आज नेचुरल तरीके से हूँ, और थोड़ा मौसम ठीक है, आज गर्मी कम है, तो
अगर आपको पतला होना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो मैं आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी एडवाइस आपके सामने लेकर आती रहूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।